बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ रही है। जुलाई और अगस्त का महीना वैसे तो बारिश के लिए खास माना जाता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। अगस्त खत्म होने में बस 10 दिन बचे हैं और आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अब भी सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। इस कमी का सबसे बड़ा असर खेती किसानी पर देखने को मिल रहा है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन मानसून की बेरुखी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से आई एक खबर ने बिहारवासियों को थोड़ी राहत जरूर दी है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार आज यानी 21 अगस्त को बिहार के 4 जिलों भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही इन जिलों में बिजली चमकने और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है, जिसके कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल 22 अगस्त को पूरे बिहार में तेज बारिश के आसार हैं, जो शायद किसानों के लिए राहत की बूंदें लेकर आएगी। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर मानसून की मौजूदा स्थिति क्या है। एसके पटेल बताते हैं कि सितंबर के आते ही मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले एक हफ्ते से मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के ऊपर बने एक चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बिहार के कई जिलों में आज और कल बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि 17 सितंबर तक मानसून पूरी तरह से विदा ले लेगा। अब बात करते हैं इस चक्रवातीय परिसंचरण की। आखिर ये बनता कैसे है? जब समुद्र सतह का तापमान ज्यादा हो जाता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और आसपास की हवा उस जगह को भरने के लिए खींचती है। इस प्रक्रिया में हवा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने लगती है और इस पूरी प्रक्रिया को चक्रवातीय परिसंचरण कहा जाता है। आज के मौसम की बात करें तो बिहार के भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोजपुर, बक्सर और अरवल में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शेष जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि 20 अगस्त तक पूरे बिहार में 523.1 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्यतः यह 682.7 मिमी होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि बिहार में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा और सीवान जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बाकी जिलों में कमी साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मानसून की वापसी किसानों के चेहरे पर कितनी मुस्कान लाती है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।